हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिशियल मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आप सबका एक कॉमन क्वेश्चंस था और क्वेश्चंस ऐसा था कि मैंने सबको बताया कि डिजाइन में मूव करो, जैसा कि और लोग बताते हैं कि साइट पर जाओ, सर्वेइंग में जाओ, तरह तरह के प्रोफाइल्स पे बताते हैं कि स्टिमेशन करोगे तभी कैरियर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, डिजाइनिंग में बेस्ट कैरियर होता है, ऐसा मैंने आपको टीच किया हो तो कई लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। कैसा कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन सभी लोगों का रहता है कि सर मैं BIM में जाऊं या फिर स्ट्रक्चर में जाऊं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, भले ही आप या तो BIM में होंगे तो आपको लगता होगा स्ट्रक्चर में जाऊं क्या, स्ट्रक्चर में होंगे तो आपको लगता होगा BIM में जाऊं क्या। तो इस तरीके की जो कंफ्यूजन है, आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड से वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, मींस फिनिश हो जाए कंफ्यूजन, और आप डिसाइड कर पाओ कि आपको BIM में जाना चाहिए या फिर स्ट्रक्चर में जाना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम डिसाइड कर रहे हैं किसी भी चीज को कि अगर हमें आम खाना है या फिर ऑरेंज खाना है, मतलब मैंगो या ऑरेंज, अंग्रेजी में दोनों का नाम ले लेते हैं तो समस्या हो जाएगी आपको, तो ऑरेंज खाना है या फिर मैंगो खाना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि ऑरेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंगो के बारे में पता होना चाहिए, तब डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे तो फ्रूट सारे अच्छे होते हैं, ऐसे ही प्रोफाइल भी सारी अच्छी होती है, मीन्स BIM की भी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और स्ट्रक्चर की भी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप एक BTech किए हुए हैं, अच्छा आपके पास स्ट्रक्चर का नॉलेज है, जैसे SFD BMD या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं SOM और स्ट्रक्चर एनालिसिस का आपको अच्छा नॉलेज है RCC वगैरह का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल होगी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इंटरेस्ट होगा आपका। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे मैं पता करूं, तो आप खुद से एक बीम ड्रॉ करो, बीम ड्रॉ करके उस पर एक UDL लगा दो, एक पॉइंट और लगा दो, SFD BMD उसका निकाल के देख लो। अगर आप निकाल पा रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप ये भी तैयार रहना कि आपको इन फ्यूचर MTech करना मस्ट हो जाएगा, मीन्स आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप MTech करो, आपके प्रोफाइल में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। तो अगर आपका इन फ्यूचर पढ़ने का कुछ प्लानिंग है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं MTech के लिए और MTech स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ बच्चों की जो कि आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, आगे वो स्टडी नहीं करना चाहते, उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो वो लोग क्या चूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग डिप्लोमा के हैं, जो आप में से देख रहे हैं, कई लोग सोचते होंगे सर मैं डिप्लोमा हूँ, आप BTech और MTech की बातें करते हो, डिप्लोमा की कभी नहीं करते हो। तो डिप्लोमा के बारे में बता दूं, अगर आप डिप्लोमा है तो भी और अगर आप BTech है तो भी या BE है तो भी, आपके लिए BIM की प्रोफाइल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि BIM के अंदर डिप्लोमा वाले की भी अच्छी जॉब लग जाती है और BTech वाले की भी अच्छी जॉब लग जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि BIM क्या है, पहले ये समझो, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है क्या। एक्चुअल साइट पर वर्क करने से पहले एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी लैपटॉप पे सारे काम को करके देख लेना, दैट इज कॉल्ड BIM। आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपने लैपटॉप पे ही देख लिया कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसा बन के दिखेगा, इवन स्ट्रक्चर भी BIM के अंदर इंक्लूड है। अब BIM का जो प्रोफाइल है, BIM का जो ग्राफ है, उसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, मींस उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर से इन्वॉल्व होता है, एक आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, एक सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, एक डिटेलर इन्वॉल्व होता है, और उसके अंदर एक एस्टिमेशन के लिए बंदा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद इंटीरियर भला भी इन्वॉल्व होता है, फिर जाके हम कहीं प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। तो मींस उसके अंदर क्या हो रहा है कि सारा कुछ, मतलब हर एक प्रोफाइल इन्वॉल्व है BIM के अंदर। तो अगर आप डिप्लोमा या BTech हैं या BE हैं, आप किसी ना किसी प्रोफाइल में तो सेट हो ही जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप मॉडलिंग के लिए हो जाए, 3D मॉडलिंग के लिए डिप्लोमा वाले बहुत होते हैं, तो आप रेबिट पर काम कर रहे हो, वो भी BIM की प्रोफाइल है, ठीक है। हो सकता है आपकी डिटेलिंग पर अच्छी पकड़ हो, आप टेक्ला पर डिटेलिंग करने लगो, वो भी BIM की ही प्रोफाइल है। हो सकता है आपका स्ट्रक्चर की एनालिसिस अच्छी हो, तो आप BIM के अंदर ही स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हो, जो भी स्ट्रक्चर है उसकी एनालिसिस का, मतलब आप हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियर बट आप BIM का वर्क कर रहे हो कि BIM भी उसके अंदर इनबिल्ड है। हो सकता है आप एनिमेशन बहुत अच्छे अच्छे वॉकथ्रू बनाते हो, तो आप लूमियन का यूज करके वो भी BIM का ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो BIM पे मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ कि क्या होता है BIM, एक बार आप कंप्लीट उसको देख लो तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से डोमेन्स इन्वॉल्व होते हैं BIM के अंदर, आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। अब आपको समझ आ गया कि BTech हो या डिप्लोमा हो, अगर आपको मॉडलिंग का एक अच्छा सा
विजुलाइजेशन होता है कि यार ऐसा अगर बनेगा तो बड़ा मस्त लगेगा, ये बिल्डिंग वाओ, ये चीज ऐसे दिखेगी बन के, ऐसा विजुलाइजेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप BIM में जाओगे तो बेस्ट रहेगा, BIM में जाओगे तो आपको आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज, चाहे डिप्लोमा हो चाहे फिर डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी जगह पर अगर एक आपका जो विजुलाइजेशन है वो बिल्डिंग के एनिमेशंस को, बिल्डिंग के एनिमेशन अच्छे आप नहीं थॉट्स कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनना सिविल इंजीनियर और डिजाइनिंग में ही जाना है, आप केवल स्ट्रक्चर पर फोकस करो, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपके लिए ही बना है। क्योंकि माइंड दो तरीके से चलता है, किसी का ब्रेन मैथमेटिक्स टर्म में बहुत चलता है और किसी का ब्रेन आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा चलता है, दोनों भी फील्ड में बहुत कम लोगों के माइंड चलते हैं। तो आप देख लो कि आपका किस फील्ड में अच्छा नॉलेज लगता है आपको, या किस फील्ड की विजुलाइजेशन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, मैथमेटिक्स टर्म्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर आपको आर्किटेक्चर टर्म्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। तो आप अपने से डिसाइड करो। आप मेरे से पूछते हो कि सर मैं BIM में जाऊँ या स्ट्रक्चर में जाऊँ, तो आई एम नॉट राइट पर्सन टू जज यू। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, ना आपका इंटरव्यू तो मैंने लिया नहीं है। तो अब आपको मैंने बता दिया चीज़ों को कि आपको क्या पसंद है, उसके बेस पे जाओ। मुझे ऑरेंज और मैंगो वैसे दोनों पसंद है, ठीक है, और अगर ज़्यादा की बात करोगे तो मैंगो ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंगो तो किंग है। ऐसे ही आपकी प्रोफाइल में भी आप देख लो कि आपको क्या पसंद है, उसमें जाओ और उसी हिसाब से अपने आगे की लाइफ को सेटल करो। और डेफिनेटली आप सोच रहे हो कि सर ग्रोथ, क्योंकि लोगों का ग्रोथ का एक माइंड रहता है कि सर ग्रोथ किसमें है, तो मैं बता दूं जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसी में ग्रोथ है, ठीक है। चाय बनाने वाला भी देखो कहां से कहां पहुंचता है, तो आप ये मत सोचो कि ग्रोथ किसमें नहीं है। और अगर मार्केट की बात करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंजीनियर और BIM दोनों ही इसमें ट्रेंडिंग पर है, और आगे आने वाले दिनों में BIM मस्ट हो रहा है, मींस BIM कंपलसरी हो रहा है कि आपको BIM का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि BIM प्रूफ बिल्डिंग ही अभी कंस्ट्रक्शन होंगी, क्योंकि उसके अंदर जीरो एनर्जी कॉन्सेप्ट है और भी कई ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली आप अगर BIM के लिए जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और स्ट्रक्चर में अगर आपको मैथमेटिक्स टर्म्स बहुत अच्छा आपको लगता है तो आप स्ट्रक्चर में जाओ, दैट इज ऑल्सो टू गुड। सो होप आपको आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, विजुलाइजेशन आपका क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ कुछ लोग जो आपको इस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, मैंने देखा कुछ दिनों में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में, कुछ फ्रेशर्स कन्फ्यूजन में हो रहे हैं कि साइट पे जाके ही जॉब मिलती है, इंडस्ट्री का नॉलेज दूंगा तुमको, तरह तरह की चीज़ें हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बाहर आके सोचो कि इनका क्या स्वार्थ है, ठीक है, इनका क्या स्वार्थ है, इस चीज़ को जरूर देखना। मेरा आपसे ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हॉबी है ऑलरेडी, आई एम वर्किंग समवेयर। सो डेफिनेटली आप कोशिश करो, इसको डिसाइड करो यार, कन्फ्यूजन मत पड़ो। डिजाइनिंग में आओगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये मत सोचो कि यार डिजाइनिंग में कितनी जॉब लगेगी, भैया डिजाइनिंग में बहुत बड़ा वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पर दुबई में भी वैकेंसी है, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी ओपनिंग्स है, इंडिया में भी ओपनिंग्स है, जर्मनी में भी ओपनिंग्स है, हर जगह पे ओपनिंग्स है। और एक डिजाइन इंजीनियर कहीं पर भी मूव कर सकता है, ठीक है जी, बस उसको ACI कोड का नॉलेज है तो जा सकता है अमेरिका में, ब्रिटिश कोड का नॉलेज है वो जा सकता है, उसको अमेरिका इंडियन कोड का नॉलेज है इंडिया में जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा एक पूरा सीनेरियो है, बस हमें दिखता नहीं है। तो टेंशन मत लेना, थोड़ा माइंड को खींचो कि भाई बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, अगर हमको यहाँ नहीं मिल रही। और दूसरी चीज, डीमोटिवेट तो मत हो यार, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। सो डीमोटिवेट होने का एक रीज़न ये है कि आप खुद को खाली रख रहे हो। फ्री रहोगे तो डेफिनेटली डीमोटिवेट हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप फ्री रहना ही बंद कर दो, डीमोटिवेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बोलोगे सर फिर करूँ क्या, मतलब डीमोटिवेट ना हो तो करूँ क्या, तो मैं आपको बता दूँ आपको कुछ नहीं करना है। आराम से आप पहले उन टॉपिक्स को तैयार करो जिस प्रोफाइल में आपको जाना है उनसे रिलेटेड। सपोज आपको स्ट्रक्चर में जाना है तो स्ट्रक्चर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है 5 से 6 की क्या क्या पढ़ना चाहिए, पहले वो पढ़ लो, फिर अच्छे से रिज्यूम तैयार करो और अप्लाई करना स्टार्ट करो। आप फोड़ दोगे, ये 110% है, ये बिल्कुल टेंशन ही मत लो कि आप फोड़ नहीं पाओगे, सब कोई फोड़ सकते हैं यार, ठीक है। एक कंपनी ने लेगी, दूसरी लेगी, 100 नहीं लेगी, 101 वाली तो लेगी ना, 100 में से एक कंपनी तो रिप्लाई दे ही देगी। चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा और आपका माइंड क्लियर हुआ होगा कि डिजाइनिंग में हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज अपने डिसीजन खुद से चूज करो कि मुझे लिए अच्छा क्या है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री में आप जाओ। चलिए, बाय बाय।